तो आज हम कंपेयर कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी S23 और आईफोन 14 का। सबसे पहले डिजाइन की बात करेंगे तो सैमसंग ने बैक पैनल पर प्लेन मैट फिनिश दिया है और कैमरा लेंस इंडिविजुअली प्लेस्ड है बैक पैनल पर। सैमसंग में फ्लैट आर्मर्ड एल्युमिनियम फ्रेम है विद कर्व्ड एजेस इन शाइनी फिनिश। आईफोन में प्लेन शाइनी फिनिश दिया है डायगोनली प्लेस्ड कैमरास के साथ ऑन द कैमरा आइलैंड, और आईफोन में मैट फिनिश फ्लैट एल्युमिनियम फ्रेम है और दोनों काफी प्रीमियम है। गैलेक्सी में फ्रंट और बैक में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है और आईफोन में है फ्रंट बैक में सिरेमिक शील्ड ग्लास की प्रोटेक्शन। गैलेक्सी एंड्रॉइड 13 पर और आईफोन iOS 16 पर है और दोनों फोन्स बहुत ज्यादा स्मूथ है। कैमरा परफॉर्मेंस दोनों का काफी अच्छा है लेकिन सैमसंग फोटोज में और आईफोन वीडियोज में बेटर है। AnTuTu स्कोर्स गैलेक्सी के ज्यादा है बट एप्स पहले आईफोन में खुलते हैं, बट गेमिंग परफॉर्मेंस दोनों की जबरदस्त है बट दोनों थोड़े हीट होते हैं गेमिंग में। आईफोन में 8.5 घंटे का और गैलेक्सी में 7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। सैमसंग में 120Hz और आईफोन में 60Hz का डिस्प्ले है जिससे सैमसंग में एनिमेशन थोड़े ज्यादा स्मूथ लगते हैं। डिस्प्ले दोनों के अच्छे खासे ब्राइट और वाइब्रेंट है बट आईफोन ज्यादा ब्राइट और सैमसंग ज्यादा वाइब्रेंट है। स्पीकर्स दोनों के जबरदस्त है। अगर आपको सही शॉर्ट कंपैरिजन वीडियोस देखना है तो हमें फॉलो कर लीजिए।